हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस, सुबह हो चुकी है, मैं जग चुकी हूँ, मेरा नाश्ता पानी तैयार हो गया है। अभी मैंने नाश्ता किया नहीं है, बना के मैंने रख दिया। जब प्रांशु जगेगा, जब मैं और प्रांशु साथ में ही नाश्ता कर लेंगे। आज आने वाले हैं हॉस्पिटल से बाबा, और बाबा को हो गए कम से कम 20 दिन हॉस्पिटल में, तो आज बाबा आएंगे और मैं अपना घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी प्लॉट पर। प्लॉट पर मैं दिखाऊंगी बाबा कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो उनके सामने मैं कम जाती हूँ कैमरा लेके। मुझे ना बाबा से डर लगता है और पता नहीं चलता, वो कभी कभी ना ऐसे ही थोड़ा डांटने लग जाते हैं, तो मेरे को ना डर लगता है उनसे, तो मैं कम जाती हूँ उधर, बहुत कम जाती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में बाबा को। तो अभी मैं घर में आ चुकी हूँ गाइस, मैं कपड़े रख के लेके आ गई थी घर से, मैं नहा ली अम्मा वाले घर में, और कपड़े मैंने यहीं पे धो के सुखा दिए थे, वो सूख रहे देख सकते हैं आप। अभी मैं बैठी हूँ, तो थोड़ी देर में बैठूँगी अपनी जेठानी जी के पास, और बाहर मम्मी जी बैठी उनके पास बैठूँगी, तो मैं जा रही हूँ उधर ही बैठूँगी। तो गाइस, अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर छोटी सी हमारी एक नातिन है, हमारी इनकी बड़ी वाली जेठानी के बेटे की लड़की है ये, तो उनकी भी नातिन है, तो मेरी भी नातिन हुई है। तो ये बहुत ही प्यारा डांस करती है, बहुत ही अच्छी है और नटखट है बहुत ज़्यादा। चलो सौम्या से मिलवाते हैं, इसका नाम है सौम्या। बस गिर जाए बर्तन में लुढ़क के। तो गाइस, बाबा आ गए गाड़ी में हॉस्पिटल से, छुट्टी हो चुकी है बाबा की। इधर गाड़ी आ रही, इधर पटला लेना। हटो सामने, हटो। बाबा गए अंदर, बाबा गए अंदर। सौ कितनों गाड़ी में बैठने और छोरी है, गई गई भीतर। गाइस, बाबा आ चुके हैं, अभी उनके लिए बना रही हूँ मैं चाय। यहाँ पे चाय बन रही है बाबा के लिए। गाइस, अभी बज रहे हैं 6:45 और अभी दूध निकालने का हो गया टाइम। गोविंदा जा रहे हैं दूध निकालेंगे, भैंस वहाँ बन रही है, लवारा खोल दिया है, अभी दूध निकालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी भैंस को जाके वहाँ नज़दीक से। ठीक है, फिर चलते हैं। गाइस, भैंसिया बहुत मरकनी है, अरे समार के
चटनी के साथ। मोबाइल गिरा हुआ मोबाइल। गाइस दूध निकालने की ट्राई कर रहे पहली बार दूध निकालना है गाइस। भैंस चढ़ना गाय की मुझे देख कर लेडीजों को देख के चढ़ती है भैंसिया बता रहे थे। अभी गोविंद से कह रहा है अपन चाचा दूध कैसे निकलता है। आ नहीं रहा उन फोटो निकालना। देखो गाइस शायद झूठ बोले हो, ऐसा भी हो सकता है कहीं मैं ना चली जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं जानती नहीं ना, मैं इन लोगों को जानती हूँ और जतिन के पापा भी आते जाते रहते हैं यहाँ पर, तो इनको भी जानने लगी है। लेकिन उनका दूध का मारा निकालना, दो तीन दिन निकालेंगे आ जाएगा। मुझे भी आता है दूध निकालना भैंस का, और इतना स्पीड से नहीं निकाल पाती हूँ, मतलब ये है कहने का। तो हमारे गांव में पहले भैंस रहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो, जबकि एक बार की बात है हम बता दे रहे हैं आपको। हमारे यहाँ ना दूधिया को देते हैं दूध, तो वो दूध वाले कहीं चले गए थे, तो कई दिन हो गए भैंस ने दूध नहीं दिया। और फिर क्या किया मैंने, वो मतलब जो दूध वाली आंटी आती थी ना, उनको ही उनसे ही मतलब दूध कढ़वाती थी। आज इस चीज़ को गलत मत समझ लेना, देखो जो बात में है वो बता रही हूँ, क्योंकि लोग ना गलत मत समझ लेते। तो उनकी वो मैं साड़ी लेके आई, और जैसे वो साड़ी पहनती थी वैसे मैंने साड़ी पहनी, और भैंस एकदम मतलब पहचानने लगी कि हाँ दूध वाली आ गई। जब मैंने उसके नीचे घूंघट मार के और उनकी साड़ी ला कर साड़ी पहन के जब मैंने दूध निकाला, भैंस ने दूध दे दिया। हमारी मम्मी इतनी खुश हुई कि देख आइडिया काम कर गया। तो कभी कभी ना आइडिया से काम कर जाता है। पहले पतली थी और फूर्ती थी शरीर में, अब थोड़ा शरीर भारी हो गया तो इतनी जल्दी से मतलब कोई भी काम हो नहीं पाता है। अब निकाल रहे हैं गोविंदा दूध जी, तो हम निकालते रहते हैं तो इनको आ जाता है। हमारी मम्मी निकाल लेती है दूध, हमारी सास भी निकालती हैं, और हमारी खुद की मम्मी भी दूध निकालने वाली है। मेरे को नहीं आता इतना। गाइस दूध निकल चुका है, अभी चलते हैं हम। यहाँ पानी रखा है भैंसों के लिए, भैंस दूध बहुत कम दे रही है, ये बच्चा देने वाली है एक दो महीने में। तो दूध 2 किलो दूध देती है भैंस, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को। तो एक टाइम का मिल लेती है, एक टाइम का गोविंदा की मम्मी, तो ऐसे हम बांट लेते हैं। मैंने इसका वो लगा दिया कुंडा, और वहाँ पर बैठी है अम्मा, और यहाँ एक कुतिया लेटी है खतरनाक सी देख रही है। बोल हेलो गाइस, बोलियो हेलो गाइस। और गिरी ये नींद मुँह में डालते, गंदा है बाबू ये गंदा है। आप छोटा सा पुरुष मंगा लो अपनी मम्मी पे। हेलो गाइस बोलना, हेलो गाइस बोलो। हाँ मैं छोटी अम्मा हूँ पता है मुझे। गाइस ये हमारी लाली है, नातनी लगता है हमारी। हाँ मम्मी को दे के आओ उसे,
मम्मी का पूरे मुंह में डाल रहे हो आप, दांत छिल जाएंगे पूरे, गंदा है वो। जाओ छोटा मंगा दे, अपना लेके आओ छोटे वाला, मम्मी को दे दो उसे, चलो। सोमिया जी हमारी, हाय कर दो सोमिया, हाय करो, इधर इधर आ, हाय। अरे तो गाइस अभी आ चुकी है लाइट और प्लॉट में लगाया जा रहा पानी, चाचा दीदी दोनों पानी लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी सब्जी भी रखी है और अनार अमरूद पपीता इनके भी पौधे लगा रखे हैं, नींबू लगा रखा है, वहाँ पे सब्जी भी रखी है जैसे कि धनिया भी रखा है, ईक है, गन्ना भी आपको दिख रहा होगा सामने भीत के पास, देखो वहाँ पर एक गन्ना लग रहा है वहाँ, और बहुत सारी सब्जियाँ मैं रखी हैं, सौंफ भी रखी है, और तो गाइस बहुत सारी सब्जियाँ कर रखी हैं, मैं आपको यही बता रही थी, और फ्रूट भी है, जब आएंगे अभी तो छोटे छोटे बच्चा जैसे लग रहे हैं, और जब फ्रूट बड़े बड़े हो जाएंगे, अभी पपीता तो खूब पके रहे हैं खाने के लिए हो गए हैं, तो मतलब टाइम से टाइम पानी लगाना पड़ता है प्लॉट में, आधे में भैंसों के लिए कर रखा है। अभी मैं आ चुकी हूँ घर पर, और मैंने मंगाया था बाज़ार से सामान, सनी पे दो मंगाए थे डस्टबिन कूड़े भरने वाले, इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और मैं तो इनको डस्टबिन बोल रही हूँ, और एक बार नींबू मंगाए थे, जतिन बोल रहा था मुझे नींबू चाहिए, सुबह सुबह गर्म पानी में डाल के वो पीता है, और गाइस मैं पीऊँ ना गर्म पानी नींबू में डाल के मेरी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मैं भूलने लग जाती हूँ कोई भी बात होती है, तो इसीलिए मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन हम जैसे हेल्दी लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और मैंने ट्राई किया था, आप लोग पक्का कमेंट करोगे इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो मैंने मंगाई यहाँ पे एक चॉपर मशीन और नींबू, मैं इसलिए नहीं पीती, मेरी दिमाग की जो मेमोरी है ना वो कम हो जाती है, इसीलिए नहीं पीती हूँ मैं नींबू, और जतन पीता है। मैंने मंगाया एक चॉपर, ये 110 रुपये का, और मंगाया मैंने डिब्बे मसाले भरने के लिए, डिब्बे नहीं थे तो सारे डिब्बे मंगाए मैंने, और मैंने दो तीन सामान और मंगाए, मैंने अपनी चप्पल मंगाई, चप्पल मेरे नाप की नहीं आती है, दो बार मैंने चेंज कर दी, अब जतिन के पापा जाएंगे इनको वापस करके आएंगे, जब जाके दूसरी चप्पल आएंगी। और गाइस कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, इसके लिए बहुत बड़ी सॉरी, क्योंकि मैं घर में चली गई थी, ब्लॉग डालने वाला कोई घर पे नहीं था, प्रांशु डालता है या प्रांशु के पापा डालते हैं, एडिटिंग सारी मैं कर देती हूँ, बस उनको टाइटल वगैरह डालना होता है, टाइटल वगैरह मुझे आता नहीं है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, बाकी तो मैं सारे वीडियो भी बना लेती हूँ और एडिटिंग भी कर लेती हूँ, सारा काम मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो उसकी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, इसके लिए बहुत बड़ी सॉरी गाइस। मुझे बहुत बेकार लगा था कल मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे क्यों नहीं डाला क्यों नहीं डाला, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। और अभी मैंने आपको सभी को सबरा सामान दिखाया, मैंने मंगाए थे गोलगप्पे टिक्की, और तो गाइस मैंने बाबा जी को दिखाया, गाड़ी में से उतर रहे थे, आज इस ब्लॉग में मैंने दिखाया, बाबा जी आ चुके हैं, अभी उनकी तबीयत पहले से ठीक है, थोड़ी सांस फूलती है उनकी, उनकी प्लेट गिर गई है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और दवाइयाँ बहुत सारी दे दी हैं डॉक्टर ने, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, प्लेट की भी जो प्लेट गिर जाती है ना उनकी भी दवाई चल रही है, काढ़ा वगैरह उनको पिला रहे हैं, पहले से ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे गाइस। और अभी वो घर पे आ चुके हैं, जतिन के पापा भी घर पे आ चुके हैं, और अभी हम बुलाएंगे जतिन को, जतिन आने वाला है महाराष्ट्र में, वो अकेला रह गया था और उसके एग्ज़ाम आने वाले, उसको हम बुलाने वाले हैं गाइस। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं कर दूँगी यहीं पे एंड, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें गाइस, और मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, और चलते चलते एक लाइक भी कर दे, लाइक से कोई पैसा नहीं आप लोगों का खर्च होता ना, सब्सक्राइब से होता है, सब फ्री है, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, अगर आपको मैसेज करना हो तो आप मैसेज भी कर सकते हो, वो भी फ्री है मैसेज करना, बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए मुझे, आप मुझे मैसेज कर देना, मुझे पता चलता रहता है कि मुझे कितने लोग ब्लॉग में देखना पसंद करते हैं और कितना देखना नहीं पसंद करते हैं। देखते हैं इस ब्लॉग को मुझे कौन कौन देखना पसंद करता है कि नहीं करता, प्लीज़ आप अपना आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखेंगे ना तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, अगर नहीं रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, और मैं समझूँगी आप लोग मुझे मतलब यूट्यूब पर देख रहे नहीं जा रहे हो,
तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से अच्छी दोस्ती बनाने की, और आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मुझे आगे बढ़ाते रहें। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। बाय बाय गाइस।